सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के स्थायी कैंपस के निर्माण को लेकर आंदोलनरत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब अश्वासित होती हुई नजर आ रही है। विद्यार्थी परिषद को उम्मीद जगने लगी है कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थायी कैंपस उन्हें जरूर मिलेगा। विद्यार्थी परिषद को ये उम्मीद इसलिए भी जग रही है क्योंकि हाल ही में उन्होंने CU के स्थायी कैंपस के निर्माण और बच्चों के भविष्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की थी और उन्हें इस बाबत जानकारी से अवगत करवाया था। कांगड़ा के देहरा में हुई इस मुलाकात में हालांकि अनुराग ठाकुर और ABBP के पदाधिकारियों में हल्की नोकझोंक भी हुई थी, बावजूद इसके खुद के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए आंदोलनरत ABBP की इस आवाज को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अन्यथा न लेते और बुलंद किया और प्रदेश की भाजपा सरकार से इस बारे में अब ठोस परिणाम निकालने तक की बात कह दी। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने CU के स्थायी कैंपस निर्माण के लिए सार्वजनिक मंचों पर भी अपनी ही पार्टी की सरकार और सरकारी तंत्र पर सवालिय निशान खड़े करते हुए महज चंद दिनों का अल्टीमेटम देते हुए स्थायी कैंपस निर्माण की हर अड़चन को मुकम्मल करने के आदेश दिए और भूमि को CU के नाम करवाने की दिशा में जल्द परिणाम निकालने की बात कही। ABBP अनुराग ठाकुर की इस बुलंद आवाज से अब गदगदे हैं और उन्हें भी आस जगने लगी है कि अंततः उनकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। विषय जी एक ही है जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण। कि जिस तरह से 2009 से ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो राजनीति की रोटियां सेकने का काम हर वर्ष सरकारें करती हैं, विद्यार्थी परिषद इसका कड़ा से कड़ा विरोध करती है। और जिस तरह से हमारा आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस आंदोलन की जीत अभी सभी के सामने दिखती हुई दिखाई दे रही है। कि जिस तरह से अगर आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जो भूमि का जो स्थानांतरण होना है, वो मुझे लगता है 1 या 2 दिन में उसका काम पूरा होने वाला है। और जिस तरह से पीछे जो अभी दिशा बैठक जो जिला कांगड़ा में हुई थी, तो उसमें भी जिस तरह से 15 से 20 दिन का जो समय जिला प्रशासन व विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया है कि आप अपनी पूरी अनियमितताओं को पूरा करके इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम जल्द से जल्द शुरू करें, वो कहीं ना कहीं हमारे इन आंदोलन का जो सफल नतीजा है वो आप सभी के समक्ष है। और विद्यार्थी परिषद अब तब तक नहीं रुकने वाला है जब तक इन जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर का निर्माण है वो जल्द से जल्द नहीं करता है। और आज मीडिया के आपके माध्यम से हम, चाहे वो यहाँ के स्थानीय विधायक है चाहे वो MLA, उन सभी को चेता देना चाहते हैं कि इस विषय को लेकर आप गंभीर जरा भी नहीं दिखा रहे हैं और विद्यार्थी परिषद आपका पूर्णतः रूप से विरोध करेगा जब तक आप इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो स्थायी परिसर का निर्माण के लिए जो हमारा आंदोलन चला हुआ है, इस विश्वविद्यालय निर्माण के लिए आपको भी गंभीरता दिखानी होगी। वरना विद्यार्थी परिषद पूरा मैदान में तैयार खड़ा है कि जिस तरह से विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलनों को लेकर, इस विश्वविद्यालय परिसर के आंदोलनों को लेकर जो कार्य करता है, और आगे भी जब तक हमारा इस निर्माण नहीं किया जाता है तब तक विद्यार्थी परिषद लड़ाई लड़ता रहेगा।